हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें से हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं उनको अंडरलाइन करना है। जैसे कि ही इज ए प्लेफुल चाइल्ड, तो प्लेफुल अंडरलाइन करेंगे। राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय में इंटेलिजेंट डिस्क्राइबिंग वर्ड है, उसको अंडरलाइन करेंगे। द चिल्ड्रन आर प्ले आर हैप्पी में हैप्पी को अंडरलाइन करेंगे। यू लुक ब्यूटिफुल, इसमें ब्यूटिफुल को, एंड दैट इज वुडन बॉक्स में वुडन को अंडरलाइन करेंगे। अब बच्चों हम पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है बच्चों? जब हमें दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कुछ कॉमन क्वालिटी के बारे में हम तुलना करते हैं तो उसको हम कंपैरिजन बोलते हैं। तो मेनली तीन डिग्री होती है कंपैरिजन की, जैसे कि एडजेक्टिव्स है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो इनमें टॉल क्या है? जब कोई कंपैरिजन नहीं होता, एक अकेले चीज के बारे में बताते हैं तो ये इस टॉल वर्ड मतलब उसकी पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। और जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। उसमें जनरली ईआर जुड़ जाता है, टॉलर हो गया। और जब हमें बहुत सारे लोगों के बीच में से कोई एक बताना होता है तब हम ये सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं जिसमें ईएसटी जुड़ जाता है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज एडजेक्टिव की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, तो आइए इनको पढ़कर समझते हैं। स्वीट अगर पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव स्वीटर और सुपरलेटिव स्वीटेस्ट। इसी तरह से स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। इस तरह से बच्चों यहाँ पर कई और वर्ड्स की भी कंपैरेटिव डिग्रीज लिखी गई हैं, तीनों डिग्रीज लिखी हैं कंपैरिजन की, तो आप इनको पढ़कर इनको लर्न कर सकते हैं। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पर सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें हमें जो ब्रैकेट में वर्ड है उसकी सुटेबल डिग्री को छांट करके लिखना है। जैसे दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो बच्चों बहुत सारी बुक में से एक बेस्ट बताना है तो बेस्ट बुक आएगा। जयपुर इज हॉटर देन मुंबई, क्योंकि यहाँ पर जयपुर और मुंबई की दो चीजों की कंपैरिजन की गई है। लोटस फ्लावर आर प्रीटियर देन रोज फ्लावर्स, क्योंकि दो तरह के फूलों की कंपैरिजन की गई है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। केदारनाथ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल आई हैव एवर विजिटेड। ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल होती है। रिहान इज क्लेवरर देन हिज सिस्टर। माई ब्रदर बॉट द एक्सपेंसिव कार फ्रॉम द शोरूम। ही टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्नेहा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट देन मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स। रिया इज फैटर देन हर सिस्टर। आरुष इज द मोस्ट करेजियस स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। जैसे यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। इस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लिखेंगे? यूएसए इज मोर पावरफुल देन अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, या यूएसए इज मोर पावरफुल देन इंडिया इन द वर्ल्ड। अकबर वॉज द वाइजेस्ट किंग ऑफ मुगल एम्परर्स, तो हम क्या लिखेंगे? अकबर वॉज द वाइजर किंग ऑफ मुगल एम्परर। गांधी जी वॉज मोर रिलायबल लीडर कंपेरेटिव टू अदर्स इन इंडिया। इस तरह से हम इनको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।